कहानी की शुरुआत ली से होती है जो कि अलार्म की वजह से जगती है और सारा दिन काम करने के बाद वो फोन इस्तेमाल करती रहती है और जब वो रात को बस से घर वापस आ रही थी तो उसका फोन बस में ही गिर जाता है और उसके फोन को कोई और लड़का उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। ली तो घर आकर सो जाती है और उसको पता भी नहीं होता कि उसका फोन उसके पास नहीं है और दूसरी तरफ वो लड़का जिसने ली का फोन उठाया था वो अपने घर पर होता है और जब ली के फोन पर किसी का कॉल आता है तो वो कॉल को उठाता है लेकिन वो कॉल पर खुद बातें करने की बजाय लड़की की आवाज की रिकॉर्डिंग चलाता है और ली के दोस्त को लड़की की आवाज में जवाब देता है। तब ली की दोस्त उसे पूछती है कि ये फोन तो ली का है तो ये आपके पास क्या कर रहा है। इस पर वो जवाब देता है कि ये फोन उसको बस में मिला था। फिर ली की दोस्त कहती है कि मैं ली को बता दूंगी कि उसका फोन आपके पास है और वो आकर आपसे अपना फोन ले लेगी। अब अगले दिन ली को पता चलता है कि उसका फोन खो गया है तो वो अपने फोन पर कॉल करती है और दूसरी तरफ से जैक लड़की की आवाज में ही जवाब देता है। तब ली उससे पूछती है कि क्या आप मेरा फोन देने के लिए एक रेस्टोरेंट आ सकते हो, तो जैक भी मान जाता है। अब जब जैक फोन का लॉक खोलने की कोशिश करता है तो वो उससे नहीं खुलता, इसलिए वो गुस्से में फोन की स्क्रीन को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम जंगल में एक लड़की की लाश देखते हैं जिसका किसी ने बहुत ही बेरहमी से खून किया था। डिटेक्टिव वहां पर सबूत इकट्ठे करता है तो उसको वहां पर एक कार्ड मिलता है जो कि एक ऑफिसर के बेटे जैक का होता है और जब डिटेक्टिव जैक के डैड को इस बारे में बताता है तो वो कहता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह 5 सालों से गायब था। दूसरी तरफ ली अपने पिता के रेस्टोरेंट में आती है, तब उसके पास उसी लड़के का कॉल आता है और वो बताता है कि मैं तुम्हारा फोन लेकर आने वाला था मगर वो रास्ते में गिर के टूट गया है, इसलिए मैंने उसको रिपेयर सेंटर में ठीक होने के लिए दे दिया है, अगर तुम चाहो तो वहाँ से अपना फोन ले सकती हो। अब जब ली रिपेयर सेंटर जाती है तो वहाँ पर एक मास्क लगाया हुआ आदमी होता है जो कि जैक है और वो उससे फोन की डिटेल मांगता है। ली उसको फोन का पासवर्ड बताकर वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। जैक पासवर्ड खोलकर फोन के अंदर एक जासूस सॉफ्टवेयर डाल देता है जिसके बाद वो फोन ठीक करके उसको वापस दे देता है, लेकिन जासूस सॉफ्टवेयर की मदद से वो ली के हर चीज पर नजर रखता है, वो किसके साथ चैट कर रही है, वो किसको कॉल कर रही है, इस पर जैक की सारी नज़र होती है और उसके घर और ऑफिस के साथ साथ हर छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी हासिल कर लेता है, यहाँ तक कि वो उसकी बातें भी सुन सकता था। अब रात के समय जैक ली के पिता के रेस्टोरेंट आता है। जैक ली के फोन से सारी जानकारी निकाल कर उसके पसंद और नापसंद पता करके आया था और वो ली को बताता है कि वो एक आईटी कंपनी में जॉब करता है और यहाँ पर ली उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले दिन ली अपने ऑफिस जाती है तो हमें पता चलता है कि वो एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी में काम करती है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि अपने पिछले शिकार की फोटो देख रहा था और ये वही लड़की थी जिसकी लाश जंगल में मिली थी और अब जैक को अपना अगला शिकार मिल गया था। दूसरी तरफ ली की बॉस उसको बताती है कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें उसको अपने बॉस की मदद करनी है और इसके बदले उसको डबल सैलरी मिलेगी। इधर जियान घर आकर अपनी पत्नी का फोन देखता है कि वो जैक के साथ क्या बातें करती है और वो देखता है कि जैक ने अपने घर की फोटो और एड्रेस उसको भेजा था, इसलिए जियान अपनी पत्नी जैक के बारे में पूछता है मगर उसकी पत्नी कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए जियान उस हाल ही में हुए खून के बारे में बताता है जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अब जियान को चुप रहना ही सही लगता है। अब जब ली अपने ऑफिस में होती है तो जैक उसके घर पर आकर तलाशी लेता है और उसको वहां पर ली का दूसरा फोन भी मिलता है और वो उस फोन में भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जियान को पता चलता है कि जैक एक रिपेयर सेंटर चलाता है लेकिन उसके पास अपना कोई फोन नहीं है और आजकल वो एक लड़की का फोन यूज कर रहा है, इसलिए जियान उसके घर पर पहुंच जाता है और वो घर की तलाशी लेता है तो उसे मरने वाली लड़की की सारी चीजें मिलती हैं और उसे वो नेल पेंट भी मिलता है जो कि मरने वाली लड़की ने लगाया था और वो समझ जाता है कि ये खून जैक ने ही किया है। तभी जैक भी अपने घर वापस आ जाता है और उसको पता चलता है कि उसका पिता उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। इसके बाद वो जियान को मैसेज करता है और उसकी लाइव फोटो भी भेजता है जिसके बाद जियान परेशान हो जाता है, लेकिन जियान को पता चल जाता है कि जैक ने उस बेवकूफ बनाने के लिए फोटो भेजी थी और जब तक वो वापस घर में जाता है तब तक जैक वहां से सारे सबूत मिटा देता है। अब जैक ली के पिता के रेस्टोरेंट जाता है और कहता है कि मैं यहां पर रेगुलर कस्टमर हूं और जब वो उनसे ड्रिंक मांगता है तो ली के पिता समझ जाते हैं कि ये यहां का रेगुलर कस्टमर नहीं है
अब ली अपने पिता के साथ घर जा रही होती है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि जैक एक झूठा आदमी है और झूठा आदमी कुछ ना कुछ गलत करता है, इसलिए तुमको उससे दूर रहना चाहिए। ली भी उसकी बात मान जाती है और कहती है कि अब से मैं जैक से थोड़ा सावधान रहूंगी, मगर जैक फोन की मदद से उसकी सारी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ ली अपने दोस्त को जैक के बारे में बताती है कि वो बिना चश्मा के और भी ज्यादा क्यूट लगेगा। फिर उसके दोस्त उसे जैक से मिलवाने के लिए कहती हैं। इस पर ली भी मान जाती है, यानी कि वो इतनी आसानी से जैक का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी और जैक भी फोन की मदद से उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जैक ली के पिता को एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा हुआ था कि इस लिंक पर क्लिक करें, और जब वो लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपके घर के बाहर एक बॉक्स रखा है। और जब ली के पिता बॉक्स लेने के लिए बाहर जाते हैं तो जैक वहाँ पर आ जाता है और वो उनको मारता है और बांध देता है। इधर जियान मरने वाली लड़की के मॉम से बात करता है तो वो बताती है कि उसकी बेटी का फोन गिर गया था जिसका स्क्रीन टूटने के बाद उसको फोन रिपेयर सेंटर से मिला था। और इधर ली सुबह जागती है तो उसको अपने फोन पर बहुत सारे मिस कॉल मिलते हैं। वो देखती है कि मैसेज पर उसने अपने दोस्तों को बहुत ही बुरा भला कहा हुआ था और उसने कंपनी और अपने बॉस के बारे में भी एक पोस्ट करके सारी डिटेल लीक कर दी थी। अब जब ली ऑफिस आती है तो सभी लोग उससे काफी ज्यादा नाराज होते हैं, मगर ली यकीन दिलाती है कि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता और उसके बॉस भी उसको काम से निकाल देती है। अब ली जाकर सारी बातें अपने दोस्त को बताती है और कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया है। इस पर उसकी दोस्त उसको पुलिस स्टेशन चलने की सलाह देती है। दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करते हैं कि मेरा फोन हैक हो गया है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। पुलिस वाले ली को कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत होना चाहिए कि वो पोस्ट आपने नहीं किया है। ली के पास कोई भी सबूत तो नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैक ली के पिता के पास होता है जिसको उसने बांध रखा था, और ली का पिता उससे कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। इसके बाद जैक बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी की हर एक मूवमेंट पर नजर रखता हूँ। फिर वो उसको ली की लाइव लोकेशन भी दिखाता है जिसकी वजह से ली का पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ ली के दोस्त उसको बोलती है हमें किसी आईटी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। तब उसी समय जैक भी वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि तुम्हारा फोन हैक हो चुका है। दरअसल किसी ने तुम्हारे फोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला है जिससे वो तुम्हारी हर एक चीज पर नजर रखता है। फिर जैक ली को उसके दोस्त से अलग ले जाकर उसको बताता है कि ये काम किसी लड़की का है और उसको तुम्हारे फोन का पासवर्ड भी पता है जिसकी मदद से उसने तुम्हारे फोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। और ये बात सुनने के बाद ली अपने दोस्त के खिलाफ भड़क जाती है और इसी वजह से वो अपने दोस्त से बात भी नहीं करती। उसके दोस्त उससे नाराज होने का रीजन पूछती है, मगर इस पर ली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमको मेरे फोन का पासवर्ड पता था। उसकी दोस्त बोलती है कि तुम किसी इतने अनजान आदमी की वजह से मेरे ऊपर शक कर रही हो, और वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जियान जैक के रिपेयर सेंटर जाता है तो वहाँ पर उसको उस लड़की के बारे में पता चलता है जिसकी मौत हो चुकी थी, और वहाँ पर उनको ली के बारे में भी पता चलता है। वो उसको पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और जब ली को भी पता चलता है कि जैक ने उसको फंसाया है और वो जैक की कंपनी में कॉल करती है तो उसको पता चलता है कि इस नाम का कोई भी आदमी यहाँ पर काम नहीं करता, यानी कि इस बारे में भी जैक ने उसको झूठ बताया था। अब ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पुलिस के साथ मिलकर जैक को पकड़ने का प्लान बनाती है और वो जैक को मैसेज कर अपने घर मिलने के लिए बुलाती है और जियान से कहती है कि आप लोग आकर जैक को पकड़ लेना। जैक अपने बाल काट कर और चश्मा उतार कर ली को इम्प्रेस करने के लिए उसके घर आता है, जहाँ उसको दो पुलिस ऑफिसर मिलते हैं, लेकिन वो जैक को पहचान नहीं पाते। अब जैक को भी समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप है और वो ली को मैसेज करता है कि मैं तुमसे किसी और दिन मिलूंगा। अब ली पुराने फोन में सिम कार्ड डाल लेती है और पुलिस ऑफिसर उसको किसी सेफ जगह शिफ्ट होने को कहते हैं और उसको अपना कार्ड भी देते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम मुझको कॉल कर लेना। इसके बाद ली अपने पिता के घर आ जाती है, अगर उसके पिता कहीं पर भी नहीं होते। तभी जैक वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग चला देते हैं जिस वजह से ली काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो घर के अंदर जैक को ढूंढती है, मगर घर के अंदर कोई भी नहीं होता और डर की वजह से वो पुलिस ऑफिसर को कॉल करने लगती है, मगर तभी उसका फोन अपने आप चलने लगता है और वो समझ जाती है कि जैक ने इस फोन को हैक कर लिया है। और तभी जैक भी वहाँ पर आ जाता है। ली उससे पूछती है कि उसके पिता कहाँ पर हैं। तब जैक उसको एक मैसेज वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर तुमको अपने पिता की जान प्यारी है तो पुलिस ऑफिसर को एक मैसेज करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो और अब तुम सोने जा रही हो।
फिर वो ली को वॉशरूम में उसके पिता के पास लेकर आ जाता और उसको मारने की धमकी देता है। मगर ली कहती है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, मेरे पिता को मत मारो। जैक उस खुद को बांधने के लिए कहता है और वो ली को भी उसी टब में डाल देता है जिसमें उसके पिता होते हैं और फिर टब में पानी चालू कर देता है। ली बस चिल्लाते रहती है जिसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। अब जैक उन दोनों को ही मार देता है। अब जैक जब बाथरूम से बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है क्योंकि ली ने पुलिस ऑफिसर को मैसेज कर दिया था। जैक वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर पुलिस ऑफिसर आकर उसको पकड़ लेते हैं और जियान देखता है कि ये उसका बेटा नहीं है। और इधर ली पानी में डूबकर मरने वाली थी लेकिन उसको पुलिस वाले बचा लेते हैं। इसके बाद जियान जैक को मारते हुए पूछता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है। तब जैक बताता है कि वही उसका बेटा है और वो कहता है कि उसने अपना हुलिया बदल लिया है, इस वजह से वो अलग नजर आ रहा है। अब पुलिस ऑफिसर जैक के चीजों की तलाशी लेते हैं तो वहाँ पर काफी सारी चीजें मिलती हैं और उन लोगों की जानकारी भी मिलती है जिसको जैक ने मारा था। और वहाँ पर जैक के पहले खून की भी जानकारी होती है और जियान को पता चलता है कि इसने 7 साल पहले ही जियान के बेटे जैक को मार दिया था और तब से लेकर अब जैक बनकर लोगों का खून कर रहा था। और जियान को ये भी पता चलता है कि ये 7 साल से उसका बेटा बनकर उसकी पत्नी से बात करता है और इस वजह से जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ पर ली भी आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर से गन लेकर जैक को मार देती है। बाद में पुलिस ऑफिसर ली से गन ले लेता है और ली को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब हो रही थी। और अब सब लोगों को पता चलता है कि जैक 7 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा था और उसकी कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं थी। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।